Good morning, everyone. Now open your book, Real English, Class 6, and Unit 1. Unit 1, The Cranky Maker. This is the story of a old sailor and his friends, Crazy Coot. Crazy Coot was deaf. In this story, there are three main characters. First character, Johnny J, old sailor. Second character, Crazy Coot, a kind of American parrot, and Johnny J friends. Third character, Miss Amy, Johnny J sisters. Now open your book and put your fingers line to line. Old sailor Johnny J loved the sea. From the year he turned 12, he started sailing. Since then, it has been 66 years. He has sailed across the world. He has seen many countries. But the sea was his home. He did not like to live on land for a long period of time. He had a small cabin on an island of Guana, where he chose to stay instead with his family, which loved one a nearby islands. In this story, old sailor Johnny J, and जब वो 12 वर्ष का होता है तो वो स्टार्ट करता है, वो नाव खेने का काम स्टार्ट करता है और 66 ईयर तक वो काम करता है। वो पूरी दुनिया में नाव खेता है, सभी देशों को देखता है, परंतु वो समुद्र से ही प्यार करता है। वो अपना मकान समुद्र में ही, एक आइलैंड है गुआना, जो एन आइलैंड इन कैरिबियन सी, वहाँ पे वो क्या करता है, अपना मकान बनाता है। जॉनी जे हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स, क्रेजी कुट। एज ही वॉज नोन, स्पोक लाइक ए मैन बट विथ ए वेरी वर्ड सिंकिंग टोन। जॉनी जे का एक दोस्त है जो परमानेंट के लिए दोस्त है, क्रेजी कुट, वो उसके साथ रहता है, परंतु वो आदमियों की तरह 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 की आवाजें निकालता है, और दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही समुद्र में रहना पसंद करते हैं, न कि जमीन पे। और इनके लाइक और सेलर एंजॉय देयर वन कंपनी, और इनके साथ को देखकर और जितने भी नाविक हैं सभी वहाँ रहना उनका आनंद उठाते हैं। मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी, बट व्हाट मेड क्रेजी कुट रियली स्पेशल वाज दैट ही वाज ए मेको, ए काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरोट्स। नाउ द फीचर्स ऑफ द पैरोट, हिज प्लमेज, प्लमेज, प्लमेज मीन्स होता है प्लमेज, द मीनिंग ऑफ प्लमेज, फीचर्स कवरिंग बर्ड्स बॉडी, स्कारलेट इन कलर, स्कारलेट मीन्स होता है ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, द रंप ऑफ लाइट ब्लू एंड अपर विंग्स ऑफ येलो, और उसका रंप, रंप मीन्स होता है बॉटम साइड यानी बैक साइड, जो येलो कलर का होता है। मैको आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक, क्रेजी कुट हैड ए बैड टेम्पर एंड व्हेन इरिटेट ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस। क्रेजी कुट जब नाराज होता है तो आदमी की जैसा तेज आवाज निकलता है, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवी विथ जॉनी जे एंड कुड इमिटेट साउंड्स ऑफ गन फायर, ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग फ्रॉम सम मूवी, ही लव्ड टू व्हिसल वेन इवर ही सॉ ए गर्ल और ए वुमैन, ही वुड व्हिसल लाउडली। क्रेजी कुट जब किसी औरत या लड़की को देखता है तो सीटी की आवाज निकालता है एंड प्रिटेंटेड टू फेंट, और मूर्छित होने का बहाना करता है। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवराइट फूड सनफ्लावर सीड्स थ्रू आउट जॉनी जे हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स। जॉनी जे एंड क्रेजी कुट वेयर ए वेल मैच पेयर एस टू बॉर्न एंड सोलिटरी, एस टू बॉर्न एंड सोलिटरी, एस टू बॉर्न मीन्स ऑब्स्टिनेट यानी कहेंगे जिद्दी, सोलिटरी मीन्स लोनली यानी एकांत, यानी दोनों जिद्दी और एकांत में रहना पसंद करते हैं। जॉनी जे ओल्ड सिस्टर मिसे मे वाज नॉट फाउंड ऑफ मैको,